सड़क सुरक्षा सप्ताह के दिन यातायात व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार दीपक रावत और एसएसपी कृष्ण कुमार वीके के द्वारा जनता और छात्र छात्राओं के साथ में जन प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। रुड़की में बढ़ती जाम की समस्या और हाईवे पर अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों ने जनता से सुझाव मांगे। पूरे रुड़की शहर में 15 पॉइंट चयनित किए गए हैं, जिन पर आज पूरी तरह से फोकस रहा। डीएम हरिद्वार का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जो पॉइंट तैयार किए गए हैं उन पर जल्द ही काम किया जाएगा। वहीं एसएसपी हरिद्वार के द्वारा कहा गया है कि शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग से मुक्ति दिलाना पहली प्राथमिकता है। इसी कारण आज सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस पर यातायात व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद डीएम और एसएसपी हरिद्वार ने चिन्हित करे गए कई पॉइंटों पर जाकर मौका मुआयना किया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिक्की जैदी की रिपोर्ट। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान किया है, इसमें कुछ जल्दी शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं, थोड़ा मिड टर्म में है उसमें अभी डीएम साहब के सहयोग से वो भी कर रहे हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लान अलग से बनाया है एक्सपर्ट के साथ, आईआईटी के एक्सपर्ट्स और यहाँ के पब्लिक से सहयोग लेके वो लॉन्ग टर्म हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आने वाले समय में रुड़की के जाम से जितना संभव है निजात मिले और एक्सीडेंट की रेट कम हो जाए। एक रोड सेफ्टी की मीटिंग थी, रुड़की के ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे जोन्स जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक जाम लगता है या फिर अन्य परेशानी नागरिकों को आती है ट्रैफिक से रिलेटेड, ऐसे 15-16 ऐसी साइट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और जिनमें जो कार्य प्रस्तावित हैं उनको भी तय कर लिया गया है। कहीं पे डिवाइडर को बनना है, कहीं पे रोड को थोड़ा सा चौड़ा होना है, कहीं पे जो गड्ढे हैं उनको भरना है, कुछ जगह पे एंक्रोचमेंट्स भी हमारे हटने हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्था की जानी है। तो ऐसा एक प्लान है, इसमें हमने तय किया है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बन जाएगी जिसमें सारे ही सिविल डिपार्टमेंट्स भी होंगे, विशेषकर निर्माण से संबंधित, चाहे रोड हो, इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, एनएच हो और या फिर आपके बिजली वाले हों। ये क्रमबद्ध तरीके से ये जो जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं हर महीने एक एक जोन में इस काम को पूरा करते हुए चलेंगे और इसको अंजाम देंगे।